एक साइबर क्रिमिनल एक फोन नंबर यूज कर रहा है 8105819214 और इस फोन नंबर से वो व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहा है अलग अलग लोगों को, और व्हाट्सएप मैसेज करके वो उनसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है। इस साइबर क्रिमिनल का फोन नंबर है 8105819214 और ये साइबर क्रिमिनल इतना शातिर है कि इस शातिर साइबर क्रिमिनल ने आईएएस ऑफिसर और सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स शाहिद चौधरी की फोटो यूज की है और उस फोटो को अपनी डीपी बनाया है, और डीपी बनाकर ये व्यक्ति जो है अलग अलग लोगों से चैट कर रहा है। ये बेसिकली ये आप देख सकते हैं शाहिद चौधरी की इसने पिक यूज की हुई है, और पिक यूज करने के साथ साथ में ये वो मैसेजेस की डिटेल है, जो मैसेज की डिटेल जो है, जो मैसेजेस ये लोगों को भेज रहा है। मैं आपके लिए मैसेज पढ़ देता हूं। रेस्पेक्टेड सर, और उसके बाद कुछ लिखा है, सर एवरीथिंग इज ओके, एवरी गुड, देर इज समथिंग आई नीड यू टू प्लीज डू फॉर मी अर्जेंटली एज आई एम करेंटली अटेंडिंग अ वेरी क्रूशियल मीटिंग विद लिमिटेड फोन कॉल्स। ओके, आर यू फेमिलियर विद अमेजन पे गिफ्ट कार्ड? ये इस तरीके से सवाल पूछ रहा है, और उसके बाद ये कहता है यू कैन पॉसिबली गेट देम फ्रॉम द amazon.in वेबसाइट, काइंडली चेक एंड रिवर्ट बैक एज इट्स क्वाइट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये इस तरह के मैसेजेस जो है अलग अलग लोगों को भेज रहा है और भेजकर उनसे पैसा मांग रहा है। ये खुद शाहिद चौधरी ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है, और ये ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी जो है वो साइबर पुलिस कश्मीर को दी। जब साइबर पुलिस कश्मीर को दी तो उसके बाद फिर फौरन उन्होंने एक बाज़ाब्ता पोस्टर बनाया, फेक व्हाट्सएप डीपी स्कैम, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो फेक व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी की भी डिस्प्ले पिक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहिद चौधरी की डिस्प्ले पिक्चर हो सकती है, किसी अफसर की हो सकती है, किसी नेता की हो सकती है, किसी दफ्तर की हो सकती है, किसी शख्स की हो सकती है, आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, और उसके बाद वो अपने आप को हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिसर बताता है, डिग्निटरी बताता है। और मोडस ऑपरेंडी क्या है? ओपन सोर्स इंटरनेट से आप फोटो ले लें गवर्नमेंट ऑफिसर का, उसके बाद वर्चुअल नंबर के जरिए आप एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाएं, या फेक सिम कार्ड के जरिए एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाएं, उसके बाद डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर आप उस सरकारी मुलाजिम की फोटो रखते हैं उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और उसके बाद अलग अलग लोगों को मैसेज भेजते हैं उनसे माली मदद मांगने की या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर मांगने की कोशिश करते हैं। और यूजर्स को यह भी कहा जाता है कि आप ट्रांसफर करिए पैसा, या ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर आप हमसे ले लें। यह सब कहा जाए, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ एक बेईमान ऐसे भी हैं जो आपको फोन करते हैं और फोन पर आपसे ये कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं, मैं फला सर्विस आपकी लेना चाहता हूं, और उस सर्विस के लिए मैं इतने पैसे पे करने के लिए तैयार हूं, आप फौरन अपना मुझे गूगल पे नंबर दें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इतना पैसा मुझे इकट्ठा मिलने लगा है, फौरन गूगल पे नंबर दे देते हैं, और उसके बाद उनकी बाकी बदमाशी शुरू होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यकीन और भरोसा दिलाने के लिए कि वो वाकई फौज से हैं, वो आपको वीडियो कॉल करने के लिए कहते हैं, आप वीडियो कॉल करते हैं, आपको वहां पर फौज की वर्दी में एक जवान बैठा हुआ नजर आता है और कुछ और लोग दाएं बाएं नजर आते हैं, आप उससे आपको लगता है शायद वाकई कोई फौजी है, आप यकीन करते हैं, और उसके बाद आप ठग लिए जाते हैं, वो फौजी नहीं है। आप उनकी पड़ताल पूरी करें, और पड़ताल पूरी करने के बाद एक बात और समझें, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग, खासकर फौज, अगर आपको आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, आपको कहीं एंगेज करना चाहती है, तो वो बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर तमाम चीज़ें करेगी। बाज़ाब्ता आपको चिट्ठी आएगी, बाज़ाब्ता हेडक्वार्टर से लोग आपसे बात करेंगे, मोबाइल फोन पर बात होगी, आपको बुलाया जाएगा, कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद आपको उसके बाद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके साथ साइन करना होगा करेंगे। लेकिन इस तरीके से फोन कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, या गूगल पे करके पैसे भेजने का काम जो है कोई भी नहीं करता। तो आज शाहिद चौधरी की तस्वीर इस्तेमाल की गई, तो अब साइबर पुलिस ने यह कहा है कि अननोन व्हाट्सएप यूजर से अगर आपको कोई मैसेज आता है, जवाब ना दें, आप पैसा ट्रांसफर ना करें, और ना ही ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर्स खरीदें, अपनी बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओटीपी, सीवीवी नंबर या कोई पासवर्ड जो व्हाट्सएप के ऊपर, बिल्कुल शेयर ना करें, कोई रिमोट एक्सेस ऐप शेयर ना करें, किसी रिमोट एक्सेस ऐप को इंस्टॉल ना करें, जैसे आप एनी डेस्क है, डेस्कटॉप है, और कई ऐप्स हैं, उन ऐप्स को आप इंस्टॉल ना करें, किसी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें। आपको एक लिंक आता है, उस लिंक में कहा जाता है आप देखिए इस वीडियो में आप हैं, आपको लगता है पता नहीं कौन सी मेरी वीडियो आ गई जिसमें मैं आ गया, तो फौरन आप क्लिक करने लगते हैं,
तो आपका फेसबुक हैक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। अपने व्हाट्सएप को भी सिक्योर करें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ, जो व्हाट्सएप सेटिंग्स में अवेलेबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज शाहिद चौधरी की बात है, कुछ दिनों पहले वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है अपने व्हाट्सएप के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने सरकार को यह कहा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जिस मैसेजेस में यह कहा जा रहा है, डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, प्लीज इमीडिएटली कॉल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर, थैंक यू। ये इस तरह के मैसेज जो है आपको आते हैं। आपको जब ये मैसेज आता है, आप फौरन इस नंबर पर कॉल करते हैं, आपको लगता है कि शायद वाकई मेरे साथ कोई बेईमानी होने वाली है। इस चक्कर में जब आप फोन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन स्कैम है। ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी विभाग, चाहे वो बिजली विभाग हो या कोई और विभाग हो, जब भी आपको मैसेज भेजेगा वो प्रॉपर अंग्रेजी में होगा और प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ मैसेज होगा। और जब ये जिस समय आपको SMS मैसेज आ रहा है, SMS मैसेज भी आपको जब पढ़ेंगे उसमें तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी। और किसी खास नंबर पर कॉल करने के लिए आपको कतई नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और आपको ये मैसेज आ रहे हैं, फौरन साइबर पुलिस कश्मीर के साथ संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आपको फला नंबर से ये मैसेज आया है। ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन स्कैम है। स्कैमर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन धमकी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शहरियों को बेवकूफ बना सके। इसी तरीके से आपको किसी वक्त फोन के लिए आता है कि जनाब आपका फोन नंबर जो है वो बंद होने वाला है, अगले कुछ ही दिनों में आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, आप फौरन फला नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आप सिम ब्लॉक करने के लिए फौरन कॉन्टैक्ट करते हैं, सादे लोग इस मामले में फंस जाते हैं। और कई बार तो बड़े अकलमंद और बड़े दानिश्वर लोग भी जो हैं इस तरह के स्कैम्स में फंस जाते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। फ्रॉडस्टर कर क्या रहा है इलेक्ट्रिसिटी स्कैम में, और ये घाटी में बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं वादी कश्मीर से। एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि आपकी बिजली अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर बंद कर दी जाएगी। एक नंबर देते हैं कॉल करने के लिए, उसके बाद एक लिंक देते हैं कि आप पेमेंट करें, उसके बाद आपको एक डाउनलोड करने के लिए ऐप कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आप जो पासकोड आया है, जनरेट हुआ है, वो शेयर करें। उसके बाद आपको ये कहते हैं कि आप 10 या 11 रुपये पे करें, ठीक है। उसके बाद आपका फोन मिरर करते हैं और उसके बाद सारे का सारा आपका पैसा जो है वो लूट लेते हैं। आपको करना क्या है, अगर किसी अननोन सोर्स से आपको मैसेज आ रहा है, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। जो नंबर टेक्स्ट मैसेज में दिया गया है उसका रिस्पॉन्स देने की कोई जरूरत नहीं। कोई ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन मत करिए, चाहे वो 10 रुपए की हो, 11 रुपए की हो, 54 की हो, 58 की हो, या 1 रुपए की हो, ठीक है। कोई भी पासकोड जो आपके फोन में जनरेट होता है उसको प्लीज शेयर ना करें। और पावर डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करने से पहले वो नोटिस भेजते हैं डिफॉल्टर को, पर्सनल नंबर पर मैसेज नहीं भेजते। तो आपको नोटिस आएगा बिजली विभाग से, आपको SMS नहीं आएगा। तो इसलिए सुरक्षित रहें, अपने आप का ख्याल रखें और इस तरह के बेईमानों से, चोरों से, ठगों से बचें। और अगर आपको फोन कॉल आती है या वाकई आपको कोई ये कहता है कि आपका इतने करोड़ का इनाम निकला है, तो फिर आप इतने पैसे डालिए, फिर आपको इतने पैसे आएंगे, इस तरह के बेईमानों को का रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद पुलिस के हवाले करें, वो खुद इनसे निपटेंगे।